हमारी पीड़ा है और हम व्यवहारिक रूप से इसके लिए दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9 निजी बस संचालक 22/3/2020 से जब से कोरोना का वायरस की लॉकडाउन हुआ तब से वाहनों का संचालन बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद है और अप्रैल मई और ये जून आ गया पूर्णतः हमारा बंद है। जब वाहनों का हमारा संचालन ही नहीं हुआ तो सरकार द्वारा टैक्स के बारे में हमने पूर्ण निवेदन किया था लेकिन इस विषय में आज तक किसी प्रकार की कोई भी उन्होंने विज्ञप्ति जारी नहीं करी, कोई भी परिपत्र जारी नहीं किया, जबकि औपचारिक रूप से और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के हिसाब से अगर वाहनों का संचालन नहीं होता तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाता। ये मोटर वाहन अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत भी है। दूसरी बात, सरकार की दोहरी नीति देखिए, एक तरफ तो जनता के सामने ये कह दिया कि आप अपने वाहनों का संचालन करें, दूसरी तरफ हमारे यहाँ वाहनों पे एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया, कोई भी किसी भी प्रकार का वाहन चलाना चाहे तो उसकी इनके यहाँ से स्वीकृति नहीं है। तीसरी बात, ये एक मुख्य बात ये है कि हमारे यहाँ मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ये है कि किसी वाहन में अगर कर बाकी रहता है तो वो वाहन का संचालन सड़क पर नहीं कर सकता। हमारे साथ ये हुआ है कि हमारा 2 माह के टैक्स की जो मांग थी वो 2 माह के टैक्स की मांग को इन्होंने औपचारिक रूप से पिछली बार आदरणीय हमारे परिवहन मंत्री महोदय ने माना भी था कि अगर वाहनों का संचालन नहीं हुआ है तो हम टैक्स किस बात का। अब अगर वाहन स्वामी इनकी बातों में आके 1 तारीख से अगर वाहन का संचालन करता है और परिवहन कार्यालय का कोई अधिकारी अगर रास्ते में मिलता है तो हमारी वाहन को सीज करेगा, वो कहेगा भैया टैक्स लो। ये कौन सी नीति है, ये कौन सा संचालन है, ये कौन सी बात है? आज आप लोगों ने क्या किया? आज हमने एक इस बात को ज्ञापन दिया और इस बात का परिचय दिया कि हमारी वाहनों का हम संचालन नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो हमारी गाड़ियों का भौतिक सत्यापन यहाँ कर सकते हैं। हम यहाँ फिजिकल रूप से अपनी गाड़ियों को लाके खड़ा किया है जिससे वो देख सकें हम वाहनों का संचालन हो ही नहीं रहा, मार्ग पर हो रहा है, अन्य मार्ग पर हो रहा है, उपनगरीय मार्ग पर हो रहा है, कहीं भी नहीं। नवीन सोगानी, अध्यक्ष अजमेर रीजन प्राइवेट बस एसोसिएशन।